आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स और आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट दो होता है, एक होता है नैंड गेट और एक होता है नॉर गेट। ऑलरेडी तो नैंड गेट आज हम लोग डिस्कस करेंगे, इसका लॉजिक सिंबल क्या होता है, इसका ट्रुथ टेबल क्या होता है। इसे हम लोग नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड वो सारे लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है जो बेसिक गेट्स जिसे हम लोग पढ़ चुके हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट, वो नैंड गेट और नॉर गेट दोनों कर सकता है, इसलिए इसे यूनिवर्सल गेट कहा जाता है। और ये क्वेश्चन बार बार भाईभा में हमेशा पूछा जाता है, और एग्जाम तो इंटरव्यू वगैरह में भी इसे पूछा जाता है कि नैंड गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं। तो यही रीजन है कि इससे हम लोग वो सारे लॉजिक फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं जो बेसिक गेट्स करता है, इसीलिए हम लोग इसे यूनिवर्सल गेट कहते हैं। तो नैंड गेट का जो लॉजिक सिंबल होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग नैंड गेट के बारे में थोड़ा देखते हैं। नैंड गेट आया कहाँ से है, नैंड का मतलब होता है नॉट एंड। नैंड को अगर हम लोग तोड़ेंगे तो हो जाएगा नॉट एंड, नॉट प्लस एंड हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि एंड गेट का जो ऑपरेशन था उसे हम लोग क्या कर देते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं, तो उसे हम लोग क्या हो जाता है, नैंड गेट मिलता है। आउटपुट ऑफ एंड गेट इज नॉटेड यानी इन्वर्टेड। इन्वर्टर का क्या काम होता है, जीरो को वन करना, वन को जीरो करना, तो जो एंड गेट का आउटपुट होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्ट कर देते हैं। यही मेन है, यही होता है नैंड गेट। तो नैंड गेट बना है जो एंड गेट को अगर हम लोग इन्वर्ट कर देते हैं, यानी नॉट एंड गेट को, नॉट प्लस एंड मिलकर नैंड गेट बना है। तो इसका जो लॉजिक सिंबल होता है वो क्या होता है, लॉजिक सिंबल हम लोग इसको कैसे कर सकते हैं देते हैं। एंड गेट क्या होता है, इस तरह से होता है एंड गेट। ये इनपुट इसमें कितना होता है, टू, मिनिमम टू और मैक्सिमम हम लोग जितना डाल सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग दो इनपुट लेंगे, टू इनपुट्स नैंड गेट, ये है ए बी, इसका आउटपुट जो है वो वाई है। तो नैंड गेट ये क्या है, एंड गेट है। इसमें हम लोग नॉट यानी बबल लगा देते हैं इसके मुंह के यहाँ पे इस तरह से, तो ये मेरा क्या हो जाता है, नैंड गेट। नैंड गेट का जो एक्सप्रेशन होता है इनपुट आउटपुट का, जो एंड गेट का होता था वो ए बी होता था, इसका ए बी का होल बार हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी का होल बार। ऊपर अगर लाइन इस तरह से खींचा जाता है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं होल बार। ये क्या है, टू इनपुट नैंड गेट। अगर हम लोग इसको हम लोग एंड गेट प्लस नॉट गेट के टर्म में लिखते हैं तो इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हम लोग नैंड गेट इस तरह से बनाते थे, टू इनपुट नैंड गेट, ये हो गया। अगर ये ए है, ये बी है, तो इसका आउटपुट हम लोगों को अगर बाई मिलता है तो ये क्या होता था, ए बी, ये होता था एंड गेट का ए बी। अगर इसके हम लोग यहाँ पे ए बी हुआ, अगर यहाँ पे हम लोग एक और इन्वर्टर लगा देते हैं तो मेरा ये बाई अगर है तो बाई इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी बार, देन बाई इक्वल टू ए बी बार। तो ये क्या हो गया, नैंड गेट जो बना, एक एंड गेट और एक इन्वर्टर को मिला के हम लोग कंबाइन किए तो हम लोग का नैंड गेट बन गया। अब इसका हम लोग ये टू इनपुट्स के, हम लोग इसका थ्री इनपुट्स भी देखेंगे। अब हम लोग इसके ट्रुथ टेबल की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं तो इनपुट्स मेरा क्या है, ए, इधर हम लोग इनपुट्स लिखेंगे, इधर आउटपुट लिखेंगे। इनपुट्स में मेरा कितना है, ए एंड बी, आउटपुट में है बाई। ट्रुथ टेबल कैसे होगा, टू बिट है, टू इनपुट्स है तो दो बिट का टोटल कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनता है, फोर, तो टू जीरो वन, वन जीरो एंड वन वन। अब यहाँ पे देखना है जीरो इंटू जीरो क्या होता है, जीरो। अब उसका हम लोग बार करते हैं, जीरो का बार क्या होता है, वन, एंड वन का बार करेंगे तो जीरो। तो यहाँ पे जीरो इंटू जीरो, जीरो का बार वन, जीरो इंटू वन जीरो, इसका बार वन, वन इंटू जीरो जीरो, इसका बार वन, वन इंटू वन वन, इसका बार जीरो। तो ये क्या हो गया, एंड गेट को इन्वर्ट कर दिया। एंड गेट में क्या होता था, एंड गेट में अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे अगर एंड गेट की देखते हैं तो क्या होता था, जीरो 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 वन। तो ये क्या किया है, एंड गेट को इन्वर्ट कर दिया है, तो बन गया है मेरा नैंड गेट। तो नैंड गेट का जो प्रॉपर्टी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक भी जीरो अगर इनपुट में रहता है, इनपुट्स में, तो आउटपुट को क्या कर देता है, वन कर देता है। और इसका आउटपुट जीरो तभी होता है
जब सारा इनपुट्स क्या होता है वन होता है यानी हाई होता है, तभी ये क्या होता है नैंड गेट का आउटपुट जीरो होता है। अदरवाइज एक भी जीरो अगर इनपुट्स में है तो आउटपुट को क्या कर देगा, हाई कर देगा। तो ये प्रॉपर्टी है नैंड गेट का। जस्ट इन्वर्ट होता है, इन्वर्स होता है एंड गेट का। नैंड गेट यहाँ पे क्या है, एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या है ये, एंड गेट फॉलोड फॉलोड बाई, इसको फॉलो कर रहा है एंड गेट नॉट गेट को, नॉट गेट। तो ये क्या है, हो गया नैंड गेट। एंड गेट फॉलोड बाई नॉट गेट को मिला के मेरा बन गया क्या, नैंड गेट। अब हम लोग थ्री बिट थ्री इनपुट नैंड गेट देख लेते हैं। थ्री इनपुट्स नैंड गेट में हम लोग क्या देखेंगे, इनपुट्स जो होगा वो तीन होगा, आउटपुट सिंगल होगा। तो अगर हम लोग इसके लॉजिक सिंबल की बात करें थ्री इनपुट्स का, लॉजिक सिंबल कैसा होगा, इस तरह से होगा। तीन इनपुट, थ्री इनपुट्स ए बी सी, आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे डायरेक्ट नैंड गेट बनाते हैं तो इस तरह से ये हो गया मेरा वाई। तो क्या होगा, इनपुट आउटपुट रिलेशन वाई इक्वल टू ए बी सी का होल वाई। ये क्या है, इनपुट आउटपुट रिलेशन है नैंड गेट का। ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पे हम लोग ट्रुथ टेबल भी देख लेते हैं। सबसे पहले इनपुट्स डालेंगे फिर आउटपुट डालेंगे। इनपुट्स मेरा क्या क्या है, ए बी सी, आउटपुट है वाई। इनपुट में अगर थ्री बिट्स इनपुट है तो हम लोग का टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन टू का पावर क्यू बनेगा, यानी टू का पावर क्यू एट। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनेगा एट। कैसे बनेगा, जीरो 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 वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन, ये हो गया थ्री। अब बने आगे बनेगा फोर, वन जीरो जीरो वन जीरो वन 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 जीरो फिर वन वन वन, ये हो गया क्या मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। अब यहाँ पे नैंड गेट है तो ए बी सी का होल बार, इनपुट आउटपुट रिलेशन ए बी सी का होल बार। तो जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो, जीरो का होल बार क्या होता है वन। एक भी जीरो होगा तो वन 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 जीरो। जीरो तभी होगा आउटपुट में जब सारा इनपुट्स क्या होगा, यहाँ पे वन होगा। जस्ट इनवर्स है किसका, एंड गेट का। यहाँ पे देखिए वन हो गया, सारा हाई है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो एक भी इनपुट्स अगर जीरो है तो आउटपुट्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी क्या है नैंड गेट का। आउटपुट को जीरो होने के लिए हमें सारे इनपुट्स को हाई रखना होगा यानी वन डालना होगा, तभी मेरा सारा जो आउटपुट होगा वो जीरो होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी था ये बेसिक चीज है यूनिवर्सल गेट का यानी नैंड गेट का। इसे हम लोग एडवांस वे में भी पढ़ सकते हैं, इसको रियलाइज कर सकते हैं एज ए डायोड के थ्रू भी रियलाइज कर सकते हैं, और भी कौन से बबल और गेट की तरह भी रियलाइज कर इसे हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बेसिक जो नैंड गेट है वो यही है। ये टू इनपुट्स था, पहले टू इनपुट्स था, ये थ्री इनपुट्स है। तो एक दो क्वेश्चन गेट से डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूछा ही पूछा जाता है यहाँ से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।